हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ग्रीन चिलीज यानी हरी मिर्ची के बीज लगाना सिखाऊंगा। नाजरीन, ग्रीन चिलीज लगाने के लिए आपको ज़रूरत है एक अदद क्ले पॉट की या कोई भी ऐसा पॉट जिसके अंदर ड्रेनेज का अच्छा निज़ाम मौजूद हो। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने एक क्ले पॉट लिया हुआ है जिसके अंदर मैंने टिकली रखी हुई है, और ये एक मेरे पास है प्लास्टिक का पॉट जिसके अंदर ड्रेनेज होल्स मौजूद हैं। ग्रीन चिलीज़ या मिर्च के बीज की जो कि ईजली मार्केट में अवेलेबल हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा एक अच्छे सॉइल मिक्स की ज़रूरत है। मैं अपनी पिछली वीडियो में इसको बनाने का तरीका भी बता चुका हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप पॉट ले लें जिसमें सीड्स प्लांट करनी है, और साथ ही सॉइल मिक्स ले लें। अब आपने सॉइल मिक्स इस तरह से पॉट में भरना है, तकरीबन 70% हम पॉट को सॉइल मिक्स से भर देंगे। इस तरह से देखिएगा, ये देखें नाजरीन, 70% पॉट, 70-75% पॉट आपने इस तरह से सॉइल मिक्स से भर देना है। नाजरीन, अब आपने पॉट पे पानी का अच्छी तरीके से छिड़काव करना है, ये देख सकते हैं आप इस तरीके से। नाजरीन, सॉइल मिक्स पूरी तरह तैयार है बीज लगाने के लिए। अब आप मिर्ची के बीज ले लें और उनको इवनली इस तरह से स्प्रिंकल कर लें। ये देखिए इस तरह से। अब आपने सॉइल मिक्स दोबारा लेना है और सीड्स के ऊपर दोबारा से इस सॉइल मिक्स का छिड़काव करना है। जो 20-30% जगह है उसको आप इस सॉइल मिक्स से भर दें। ये देखिए इस तरह से। अब पहले की तरह दोबारा से पानी ले लेंगे और इसका छिड़काव दोबारा से अच्छी तरह करेंगे, इस तरह से। नाजरीन, नोट करें कि अब हरी मिर्ची के बीज दो सॉइल बेड्स के दरमियान अच्छी तरह सैंडविच हो गए हैं, और अब आपकी मिर्ची का पौधा उगने के लिए तैयार है। अब आप इस पॉट को किसी भी सायेदार जगह पर रख दें, और इस चीज का ख्याल रखें कि आपका पॉट हमेशा नम रहे, यानी पानी की कमी ना हो, ऊपरी सतह हमेशा गीली रहे। नाजरीन, 2-2.5 हफ्ते में ये बीज स्प्राउट कर जाएंगे और फिर आप इनको एक बड़े पॉट में मुंतकिल कर सकते हैं। 3 महीने पहले मैंने ये मिर्ची के बीज उगाए थे जो कि अब एक बड़ा पौधा बन चुके हैं, और इनके अंदर हरी मिर्चें भी लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।